हाँ प्रॉपर नहीं, अभी तो प्रॉपर पढ़ाई नहीं बनी सब लोग, हाँ थोड़े थोड़े दिन से ओके, तो घर के साफ सफाई थोड़ी। अभी आगे क्या प्लान क्या है? कुछ प्लान तो बनाया होगे ना, अब तो फाइनल सेमेस्टर आने वाला है, क्या सर प्लान बनाए हो? कुछ प्लान तो बनाया हो मोहित, अपना वीडियो ऑन करो यार, अभी वी आर डिस्कसिंग आफ्टर द दशहरा, वी वांट टू डिस्कस समथिंग, इट्स वेरी क्रिटिकल बिकॉज सब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, टॉपिक इज ऑलरेडी देयर, आई एम गोइंग टू गिव द सम क्वेश्चंस, यू विल आंसर, नो प्रॉब्लम, दैट इज अनदर थिंग, बट सो व्हाट्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद यू, ओके? द रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज दैट व्हाट इज द कोर वैल्यू मस्ट बी होल्ड विद इन योर माइंड बिकॉज यू आर गोइंग इन द मार्केट एज ए प्रोडक्ट विथ होल्डिंग डिग्री ऑफ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो वॉट स्किल शुड बी विथ इन यू? तो अपनी जो बात हो रही है वो ये कह रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, वेब माइनिंग क्या है ये तो ठीक है, वेब माइनिंग कितने प्रकार के होते हैं ये तो ठीक है, वेब माइनिंग कैसे करते हैं ये तो ठीक है, मैंने ये भी करके दिखा दिया वेब माइनिंग कैसे होते हैं. अब क्या होगा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि वेब माइनिंग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ वेब माइनिंग कैसे करते हैं, वेब माइनिंग का एल्गोरिथम क्या है, वेब माइनिंग का प्रोसेस क्या है, वेब माइनिंग मैकेनिज्म क्या है, वेब माइनिंग जो है किस किस तरह करते हैं, कुछ केस स्टडी दे देंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, आप जो है 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 70-60% नंबर आ गए, यू आर क्वालिफाइड. लेकिन लाइफ इतना ही तो नहीं है ना, नो सर, है क्या? नो सर, नो सर, नमस्कार. लाइफ केवल इतना ही तो नहीं है ना कि भाई आपके पास डिग्री आ गई, आप जो है मास्टर हो गए, ऐसा तो नहीं. नो सर, डिग्री और मास्टर मतलब मास्टरी ये बहुत आर डिफरेंट थिंग या सेम थिंग? नो क्वेश्चन इज दैट इफ You will work hard in this direction. At least you have to work 1 year as an intern. 1 year as a intern. तो interns के रूप में काम करोगे तो आप सीखोगे problems क्या हैं, किस किस तरह का problem आते हैं, ठीक है? अभी तक जो क्वेश्चंस का जवाब अपन दे रहे हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, अब हम क्वेश्चन ये पूछने जा रहे हैं, अगर आप इंटर्न हो तो मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें जो मैंने असाइनमेंट दिया था कि मेरे को एक वेबसाइट बनाना है, ऐसा मैंने बोला था सेम टाइम के बॉस मिलेंगे आपको कंपनी में जो बोलेंगे कि मेरे को एक वेबसाइट बनाना है और वेबसाइट को पूरी मार्केट में फ्लोट कर दो, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया फ्लोट कर दो और मार्केट से जितना डेटाबेस है वो कलेक्ट करके लाओ, गार्बेज डेटा नहीं होना चाहिए, जो डेटा आप लाओगे उस डेटा के हिसाब से हम जो है उस पर डिसीजन लेंगे और फिर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस वे में काम करोगे, ठीक है? Yes. तो ये क्वेश्चन का जवाब, यहाँ वेब माइनिंग तुमको कोई नहीं सिखाने जा रहा, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई नहीं बताएगा, यहाँ आपको ये भी कोई नहीं बताने जा रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ सिर्फ आपसे ये बोला जाएगा Yeah.
इन्फॉर्मेशन आप कैसे पहुंचा भी आपके ऊपर। अब बताओ यस ये बताओ कैसे करोगे। अब ये कहते हैं कि नाइजीरिया में कुछ इंसिडेंट, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, नाइजीरिया में कुछ सर आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। आवाज कम है सर। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम ये कहें कि आपके जो वार्ड कमिश्नर हैं या आपके वार्ड में इलेक्शन होने वाला है क्या? यस। अब वो इलेक्शन में जो बंदा है कौन जीतेगा ये मेरे को बताओ, कैसे बताओगे? अरे तो उसके वोटिंग से पता चलेगा, उसके काम पे डिपेंड करेगा क्या कर रहा है कैसे। नहीं नहीं डिपेंड, ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना भाई। आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कौन जीतेगा, सिंपल सी बात है। क्या है ये, क्या है वेव माइनिंग में? ये सिंपल सी बात है कि हम ये कहते हैं कि जो आपके यहाँ से वार्ड कमिश्नर खड़ा हो रहा है या वार्ड में पार्षद खड़ा हो रहा है वो कौन जीतेगा। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। यस सर। लेकिन आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। यस या नहीं? यस सर। और जब वो ये बात पूछी जा सकती है तो ये इस बात को आपने वेब माइनिंग पढ़ा है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करा है, अब आपसे सिर्फ एक ही जब बात पूछ रहा है तो भैया हमको बताओ जीतेगा कौन, तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे ये मेरा काम थोड़ा, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं सर, जबकि तो देना पड़ेगा, जबकि फैक्ट ये है कि ये तुम्हारा काम है। हमारा काम कैसे वैसे? इसलिए कि आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है, यस सर, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, Yes, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है, आपने लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा है, आपने सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ा है, आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ा है, आपने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग पढ़ा है, ये सारे सब्जेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है क्या? yes, आप बाबर की कहानी तो नहीं पढ़े थे? नहीं सर। नहीं सर। आप शरलॉक होम्स और शेक्सपियर की कहानी तो नहीं पढ़े थे? नहीं सर। आपने जो पढ़ा वो रियल इंफॉर्मेशन पढ़ा है। यस सर। वो इंफॉर्मेशन को यूज करना है। आप क्या करना है? यूज करना है। कैसे करोगे यूज? करोगे कैसे यूज? यूज करने के पहले आपसे ये कहा गया था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है। क्या है? फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। और फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का पहला प्रोसेस ये है कि आप उस बंदे के लिए क्वेश्चनर तैयार करोगे। अगर कुछ क्वेश्चन का जवाब वो दे देता है और उसके बेस पे ही आप डिसाइड करोगे कि वो जीतेगा या हारेगा। उसके बाद वो क्वेश्चन से अब आप पूछोगे, फिर वही उसी क्वेश्चन पब्लिक से बात करोगे। क्या बात करोगे पब्लिक से? कि यार ये बंदा कैसा है, तुमको कैसा लगता है, ये काम करेगा कि नहीं, ये काम करने वाला है भी ये नहीं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, हैं? आपको क्या लगता है कि ये कुछ काम करने वाला है कि ऐसे ही गप्पे मारने वाला है? अगर मान लो कि 2000 आदमी से आपने बात किया और 2000 आदमी में लगभग जो है 1595 आदमी ये कहता है कि वो बंदा निहायती बेवकूफ मूर्ख, तो इस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि पब्लिक उसको लाइक नहीं कर रही है? नहीं करते। यस। तो पब्लिक अगर उसको लाइक नहीं कर रही है तो वोट कैसे देगी? बिल्कुल सर। और जब जब ये वोट ही नहीं देगी तो फिर वो जीतेगा कैसे? नहीं जीत सकता। हाँ
नहीं जीत सकता सर ऐसे तो। दूसरी बात यह है, दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जो है उसके ऑनलाइन सोशल मीडिया का पोस्ट पढ़ोगे कि उसकी दिमाग में क्या चल रहा है, और दिमाग के केस पे उसके जस्टिफाई करने के बाद बोले कि ये लड़का तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, इसको कैसे पता है, रोज जो है न्यूज में देता है हिंदू मुस्लिम का राइट करा देगा, मरवा देगा हिंदू मुस्लिम को, अब ये करेगा वो करेगा, ऐसा पोस्ट पेश कर रहा है। इसके मतलब में एक और डिसीजन ये निकल रहा है कि ये बंदा जो है इस पर थंबनेल वाला बात कर रहा है, ये ग्रोथ का तो बात ही नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट का बात ही नहीं कर रहा है, इनोवेशन का बात ही नहीं कर रहा है, तो आगे चल के अगर वोट दे देगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सर। यस। तीसरा चीज है हम उसकी बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? बैकग्राउंड। ऐसा तो नहीं वो कुछ उल्टे सीधे काम करता है, चरस बेचता है, गांजा बेचता है, ये तय। यस। भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको तो पता होना चाहिए, आपने ये टेक्निक पढ़ा है, उस टेक्निक को यूज करना है। आप क्या करना है? टेक्निक यूज करना। तो यूज कैसे करोगे? मेथड बनाओगे ना? यस सर। वो मेथड, वो मैकेनिज्म आपके वेब माइनिंग प्रोसेस में है। मैं सीधा सा बात बोले, वेब माइनिंग का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना है आपको। क्या करना है? जानना है। उसके बारे में जानना। तो अगर उसके बारे में जानना है तो आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना, या नहीं? यस सर। तो डिसीजन लेने के लिए जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो उसी स्ट्रेटेजी को हम लोग वेब माइनिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड वेब माइनिंग करो कि वो बंदा क्या लिखता है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के लिए माइनिंग करो कि वो बंदा का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड क्या है। और तीसरा ये है कि उसका यूजेज माइनिंग करो। क्या करो? यूजेज माइनिंग। वो बंदा काम भी करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा तो क्या क्या करेगा? जो आता होगा वही तो करेगा वो। यस सर। अगर उसको मर्डर करना आता होगा तो वो मर्डर ही तो करेगा। यस सर। यस सर। अगर उसको अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छी बात करेगा। अगर वो जो है इस तरह से बात कर रहा है कि भैया कॉमनल केसेस में, तो वो जो उसको आता है वो करेगा। तो वेब माइनिंग के केसेस में थ्री इंपॉर्टेंट केस, मैं आज एक केस स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके वार्ड में इलेक्शन होने वाला है और आपके वार्ड में कौन खड़ा हुआ है। बोलो, मेरे को पता नहीं। बोलो नहीं पता। सर अभी तक पता। चलो नहीं, कौन से वार्ड में आता है? 79। कौन सा जगह है वो? त्रिवेणी नगर। त्रिवेणी नगर। अच्छा, त्रिवेणी नगर गया था मैं एक सेंसर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि वेब माइनिंग के जो थ्री पैरामीटर हैं उसको आप केस पे पैरामीटर फेस करो कि बंदे का कंटेंट क्या है, मतलब उसके बारे में लोग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। yes, तेरा रोल है या नहीं है? yes, तो कैसे बोल रहे हो कि रोल नहीं है? देखो, किताब की कहानी जो है वो किताब की कहानी केवल वर्ड्स और हाउ मेनी टाइप से खत्म हो जाता है, डिफाइन वर्ड्स हाउ मेनी टाइप, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम उससे समझ क्या रहे हैं और उसका यूज क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ब्रेड एंड वाटर जनरेट करनी है ना। अरे, खाने पीने का सामान तो इकट्ठा करनी है ना भाई। यस सर। सरवाइव करनी है ना। बिल्कुल सर। तो सरवाइव करनी है तो नॉलेज को गेन करना पड़ेगा ना। यस सर। तो नॉलेज कैसे गेन करोगे? आप अपने नॉलेज को सेल करोगे तभी तो नॉलेज गेन होगा। यस सर। नॉलेज जो आपने गेन किया वो नॉलेज क्या था? सब्जेक्ट ही तो था। नॉलेज को पब्लिक को, आपके नॉलेज से पब्लिक को बेनिफिट होगा तभी तो आपको कोई पैसा दे देगा। और आपने बता दिया कि भैया वो बंदा जीत गया जाएगा, ऐसा बोला हमारा ये पैरामीटर, ये बंदा जीत जाएगा, तो लोगों को लगा ये मेरा काम कर गया, ये जीत जाएगा, वो सबको जाकर बताएगा इसने बोला कि ये जीत जाएगा।
और ये पैरामीटर है कि इतना जगह उसने ऐसा बोला, उसने इतना बजा, इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया, ये केसेस दिया, वो केसेस दिया, इसका ये स्टेटमेंट है। इस बेस पे जो है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि ये बंदा निश्चित है जीत जाएगा। रुझान तो इसी को कहते हैं ना। यस सर। यस। तो अगर आपने इतना काम उसको करके दिया तो वो आपको पैसा देगा या नहीं देगा? देगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बोलोगे कि मेरे को नहीं पता यार क्या जीतेगा, मेरे को बकवास मत करो, चले चले। मेरा रोल ही नहीं, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ऐसे बोलोगे तब क्या होगा? जबकि फैक्ट ये है कि पहले निकाल देगा सर वो ऐसे। हाँ, जबकि ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर है। फिर चलो एक केसेस में एक और एग्जांपल बताता हूँ कि हम जो है एक हॉस्पिटल में जाते हैं और हमारा एक डॉक्टर से मुलाकात होती है और डॉक्टर कहता है कि मेरे को जो है ना एक ड्रोन बनानी है, लाइफ सेविंग ड्रोन, लाइफ सेविंग ड्रोन बनानी है। तो आप क्या बोलोगे, क्या बात करते हो यार, बनानी है तो बनवा ले, बकवास क्या कर रहा है मेरा, तो दिमाग खा मत कर। नहीं सर। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं सर। और दूसरी बात है कि आप डॉक्टर हो, मेरा तो रोल ही नहीं है, आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड इन दिस ड्रोन मेकिंग, आई नो, आई डोंट नो अबाउट दैट। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं सर। हैं? नो। आप बोलोगे कि मैं एक्सपर्ट थोड़ा हूँ जो ड्रोन बनाना हूँ, मैंने कभी ड्रोन देखा ही नहीं, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं सर। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि यार मेरे को ड्रोन बनाना है और आपने अगर ये कह दिया कि मैं आपका ड्रोन बना दूंगा, बताओ क्या क्या रिक्वायरमेंट, तब क्या होगा? तब क्या होगा? वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने लग जाएगा। जब आपकी उसकी रिक्वायरमेंट बनाएगा, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम शुरू। यस है ना, तब आप उसको बता सकते हो यार इतना काम तो करेंगे लेकिन इसमें पैसा लगेगा। तो बोलेगा यार कितने पैसा लगेगा? बोले 5 लाख रुपया। क्या बोलोगे? 5 लाख रुपया लगेगा। ठीक है। Yes. तो बोला यार 5 लाख में कुछ कम करने, बोले ठीक तू बोल रहा है ना तो मैं तेरे को 50,000 छोड़ देता हूँ। क्या बोलोगे? तू बोल रहे थे इसलिए 50,000 की छूट। बोला अच्छा ठीक है चल तैयार हो गया। बोले ठीक है एडवांस दे दे। क्या बोला? एडवांस नहीं, एडवांस दे दे और चल से शुरू कर ले। कितने दिन में बना देगा भैया? मेरे को लगेगा 6 महीने। बोले नहीं यार 4 महीने में बना दे। बोले ठीक है चल बना दिया। कागज तैयार हो गए, आपने अपना एडवांस पैसा ले लिया, आपने तो पैसा बना लिया ना। यस सर। अब जो है आपको सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है अब आपको सोचना है, क्योंकि नाउ योर वर्क स्टार्ट। यस सर। रिक्वायरमेंट मिल गया बेसिक। यस सर। अब आपका वर्क स्टार्ट है क्योंकि यू आर बाउंड विद द रूल। अब अपना टीम बनाओ, उसे सॉफ्टवेयर बनवाओ और उसको दो। समझ में है कुछ? यस सर। क्या बोला मैंने? यस कि रिक्वायरमेंट्स और उससे पैसा तो अपन ने ले लिया, फिर अपने ऊपर अपना काम शुरू हो गया कि हाँ कैसे उसको पहुंचाना है, उसे ड्रोन कैसे देना है, वो अपना काम है। यस। तो तूने बात करते करते पैसे कमाए कि नहीं? बिल्कुल सर। और अगर उस समय ये बोलते कि यार मेरे को बकवास सुना मत, मेरे को बकवास मत कर, मेरे को क्या पता कैसे बनता है वो ड्रोन, मेरे को क्या मतलब है, तो क्या बोलता है? अच्छा चल यार तू 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 जा। हां सर, ऐसे बोलता ना? यही करता सर। यस सर। तेरा भी समय, उसका भी समय बर्बाद हुआ, कोई काम नहीं हुआ। यस सर। अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को वर्ल्ड वाइड फॉलो फैला दो डिजिटल मार्केटिंग के, और जब तुम पहुंचा दोगा उससे जो रिस्पांस आएगा, उस रिस्पांस से जो भी पैसे आएंगे वो पैसे जो है मैं तुमको दे दूंगा। वो समझ में आया? नहीं सर। अगर नहीं आए पैसे तो तू ठीक है, इंटर्न्स का सर्टिफिकेट लेके चल जाना और क्या है? देखो बिन बिन सिचुएशन हुई कि नहीं, अगर हम जीतते भी नहीं है तो भी आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया, आपको कॉलेज में तो लगा ही लोगे, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दिखा दोगे। Yes, और अगर वो जीत गए और उधर से पैसे कुछ आ गए तो पैसे भी मिल जाएंगे, तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत है क्या? नहीं सर।
दैट इज अ फेज जिसके कारण बोले कि नाउ इट इज टाइम टू डू इंटर्न्स ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म. सो इंटर्न्स स्पेशली इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटर्न्स जो है डिजिटल मीडिया के लिए भी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी हो सकता है, कॉल सेंटर के लिए भी हो सकता है, उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए भी हो सकता है, डेटा गैदरिंग के लिए भी हो सकता है, डेटा माइनिंग के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी हो सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी हो सकता है, किसी भी तरह का इंटर्न्स हो सकता है. ये इंटर्न्स इसलिए मैं इतने नाम बोल रहा हूँ आपको कि ये इंटर्न्स को अगर आप यूज कर लोगे तो उस इंटर्न्स के बेस पे आप जो है अपने करियर को सेफ अप कर सकते हो. क्या कर सकते हो? सेफ कर सकते हो. और अगर करियर को आपको सेफ करना है तो आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है. आपको वेबसाइट डेवलपर बनना है, डिसाइड इट. आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, डिसाइड इट. आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, डिसाइड इट. आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बनना है, एक्सपर्ट बनना है, डिसाइड इट. आपको जो है वेब डेवलपर बनना है, डिसाइड. आप वेब डिजाइनर बनना है तो डिसाइड. आप वेब टेस्टर बनना हो, डिसाइड इट. ये डिसाइड कोई और नहीं करेगा, तुमको करना है. किसको करना है? हमें करना है. तो आप बोलोगे कि जॉब नहीं मिलता है. जॉब कैसे मिलेगा यार? तेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलाता हूँ, मेरे को डॉक्टर से मिलाता हूँ, तो तू बोलता है कि सॉरी यार दिमाग खराब है, मेरे को जाना नहीं. आपको जो है मैं परचून वाले की दुकान से बताता हूँ कि भैया तू परचून वाले दुकान वाले से बात कर ले और उसका वेबसाइट बना दे. अरे उससे क्या मतलब है, उससे मैं बिस्किट लेके आता हूँ. जबकि बिस्किट लाने लेके आते हो लेकिन उसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए बंदा तो चाहिए. यस सर. फ्रस्ट्रेट हो गया है, इन्वेंटरी मैनेज नहीं कर पा रहा है. नहीं चाहिए? चाहिए. लेकिन उसको नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए. उसको नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए, इसलिए वो ये बात बोलता नहीं आप. यस. क्योंकि जब उसको खुद नहीं पता है कि उसको क्या चाहिए, वो आप ही तो बताओगे. यस सर. तो बताओगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हो इस फील्ड के. यस. तो वेट करते होगे यार छोड़ यार खत्म बात है, कैसे करेगा, क्या होगा, नहीं होगा. आपने कभी टीचर से बात किया कि सर मेरे को कोई काम दे दीजिए? यस. टीचर क्या करेगा? वही बताएगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, डिफाइन इट, क्लोज दिस चैप्टर. आ? यही होगा ना. yes. गलती किसकी है? हमारी है. आप कभी टीचर के साथ बैठ के टीचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किए थे? अरे कॉलेज में टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम का अलग सॉफ्टवेयर है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अलग है सॉफ्टवेयर है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अलग है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अलग है, एडमिशन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अलग है, प्लेसमेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर अलग है. अरे कभी आपने मदद किया क्या? नो सर. क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या क्या पढ़ रहे थे? पढ़ क्या रहे थे? व्हाट इज दिस, डिफाइन इट, टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप ऑफ, ये पढ़ रहे थे. व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल, ये पढ़ रहे थे. जबकि उससे मतलब ही नहीं किसी को है क्या? नो सर. लेकिन उसको RTU को मतलब है क्योंकि उसको एग्जाम में पास करना है तेरे को. यस सर. हाँ. यस सर. तो कहने का मतलब कि जो क्राइटेरिया है थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीजों नहीं पता है. प्रैक्टिकल में जो सिलेबस है वो सिलेबस उतना सफिशिएंट नहीं है जिस सिलेबस के बेस में. और दूसरी बात है टीचर को भी उतनी ऑटोनोमी नहीं मिल पाती है, ठीक है, कि वो आपको अपने हिसाब से कुछ बता सके. क्योंकि सब लोगों के अलग अलग लिमिटेशंस हैं. उस लिमिटेशन के बेस पे उसको सिलेबस कवर करना है तो वो सिलेबस कवर करा देता है. उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आता भी है लेकिन आपने कभी पूछा नहीं तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको पता है. और आप ये प्रिज्यूम कर देते हो टीचर को कुछ आता नहीं होगा, ये भी समझदारी है.
नहीं नहीं लोग समझ लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं कि उस टीचर को कुछ आता नहीं होगा, और वो टीचर का जो है 10 सॉफ्टवेयर कंपनी चल रहा है, कितने 10 सॉफ्टवेयर कंपनी चल, लेकिन तुम तो उसको गधे समझ रहे हो, उसको तो कुछ पता ही नहीं। सो इन दिस केस यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट एंड फिगर्स इफेक्टिवली, ओके, और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, just keep in touch with your mentor who know everything. Okay, by profession the teacher, especially professor, is a very powerful person. Okay, he know the problems, he know the way of solution. Samajh rahe ho? Yes. जो जर्नी आप कर रहे हो वो जर्नी उसने क्रॉस कर लिया ना भाई। Yes. तो जब वो जर्नी क्रॉस कर लिया इसका मतलब ये है कि उसको पता होगा, पता होगा ना। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ कि उसको बाय द वे मत लेना, आप कभी प्लेन पे गए हो? No, sir. नहीं गए हो, चलो आप ट्रेन पे गए हो? Yes, sir. ओके, कहाँ गए? अजमेर, जयपुर से अजमेर। जयपुर से अजमेर, और उससे दूर भी कहीं गए थे? नहीं सर। मैक्सिमम दूरी किस कहाँ गए अभी तक? हाँ सर, अजमेर ही गया। अजमेर, तो अजमेर गए चाहे वो बस से गए या ट्रेन से गए, ठीक है? और मैं कभी बस से और ट्रेन से नहीं गया, सब पूछ करो। है? Yes. तो अगर आप मेरे को कहोगे कि अजमेर चल जाओ तो मैं पूछूंगा यार कैसे जाऊं? है? तो आप बोलोगे इधर से इधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ, 220 फुट रोड मिल जाएगा और वहां पे जो है वो मिल जाएगा, उधर से बाईपास मिल जाएगा, बाईपास पे बस मिल जाएगी, उस पे बैठ के चल जाएगा। मेरे को समझ में आ जाएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। पूछेंगे सर कि कैसे जाओगे आप, बाय रोड? तो सेम केस ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसे जाओगे, किस तरह से जाओगे, कितने पैसे खर्चे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या जो है हमें देखना चाहिए, ये सब चीजें हमें पता है, आपको पता है, हमको नहीं पता है ना। तो सेम केसेस ये है कि जो नॉलेज आपको होगा वही नॉलेज तो आप दोगे। यस सर। तो जो नॉलेज टीचर के पास है वो नॉलेज आपको दे देता है बेचारा। अब इसमें क्या होता है कि टीचर के पास जो नॉलेज है वो नहीं देता वो बेचारा, वो देता है जो सिलेबस में लिखा है वो दे देता है। हैं? कभी आपको सर, दोनों तरफ कभी आपने पूछा ही नहीं उसे कि सर इसके बियॉन्ड क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको आगे कैसे एक्सपेंड करें, कैसे अपना कैरियर को एक्सपेंड करें, किस वे में आगे बढ़े, ऐसा तो आपने सोचा ही नहीं उसे। हां नहीं सर। और जब ये नहीं बात करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? और रही बात है वेव माइनिंग की, तो वेव माइनिंग के लगभग हमने 20-22 क्लास ले चुके हैं और आपने मेरे को कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आप लोग कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करते हो। एग्जाम हो गई थी? यस सर। कैसे गया एग्जाम? ऐसे ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में कैसा जाएगा? Yes. वो तुम्हें को पता है, हैं? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थोड़ी सी बात यह है कि बी सीरियस अबाउट दैट योर कैरियर, बिकॉज योर कैरियर इज अ वेरी 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 क्रूशियल। ओके, यस। तो मैं यही करूंगा कि कैरियर बहुत केसेस है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है तो यू मे डायरेक्टली आस्क विद मी। अगर आपको जो है इंटर्नशिप की जरूरत है तो इंटर्नशिप के लिए मेरे से बात करो, मैं और भी बहुत सारा से काम कुछ करवाऊंगा। जब तक काम करवाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि काम क्या हो रहा है, फिर वही करोगे व्हाट इज दिस, हाउ मेनी टाइप्स, लाइक दैट डिस्कशन होगा, फिर कुछ लेना, ठीक है? यस यस। ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।